हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार वर्मा आज आपके लिए मैंने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि वो भी बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से लिंक्ड है। उस टॉपिक का नाम है, या उस चैप्टर का नाम आप कह सकते हैं, उस चैप्टर का नाम है एजेंसी। एजेंसी क्या होती है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, हम ये सभी जानते होंगे कि बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जितने भी चीज़ें होती हैं, वो सब एक्ट और सेक्शन के रूप में आधारित होती हैं। तो जो हमारा एजेंसी चैप्टर है, वो भी किसी न किसी सेक्शन या किसी एक्ट के ऊपर आधारित होगा। तो पहले मैं आपको उस एक्ट या उस सेक्शन का नाम बता देता हूँ, और उस सेक्शन में उस एजेंसी की क्या डेफिनेशन दी हुई है, इसको नोट करा देता हूँ। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो मैं ये करना चाहूँगा कि एजेंसी का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 182 सेक्शन के अकॉर्डिंग ही एजेंसी की डेफिनेशन दी गई है। मतलब सेक्शन ऑफ एजेंसी विल बी 182। समटाइम्स इन एग्जामिनेशन ऑल्सो क्वेश्चन मे बी आस्क दैट इन विच सेक्शन एजेंसी डेफिनेशन हैज़ बिन डिस्क्राइब इंस्टेड ऑफ आस्क द डेफिनेशन ऑफ एजेंसी। कभी कभार एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आप एजेंसी का सेक्शन बताइए जिसमें उसकी डेफिनेशन दी गई है, ना कि उसका एक्चुअल डेफिनेशन पूछ के। तो ये भी आप लर्न कर लीजिएगा कि एजेंसी की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजेंसी की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 182 पे दी गई है, 182। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एजेंसी की डेफिनेशन जो कि 182 सेक्शन में दी गई है, वो है क्या। पहले मैं आपको एक हिंदी में इस चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। हिंदी में आप पहले आप समझ लीजिए कि एजेंसी की डेफिनेशन होती क्या है। तो एजेंसी का डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं कि वह व्यक्ति जो दूसरों की ओर से कार्य करने के लिए अथवा किसी तृतीय व्यक्ति के साथ किए जाने वाले व्यवहारों में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे प्रतिनिधि या एजेंट या अभिकर्ता कहा जाता है। समझ में आ रही बात? उसे एजेंट, प्रतिनिधित्व या अभिकर्ता कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्य किया जाता है या जिसकी ओर से इस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है, उसे नियोक्ता कहा जाता है। तो मूल रूप से एक एजेंट के बारे में बात हो रही है। एजेंट क्या होता है, इस चीज़ों में यह बताया गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगा। ये तो हो गया हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब इंग्लिश डेफिनेशन भी आप सुन लीजिए। इंग्लिश डेफिनेशन ये होगा कि एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी वर्क फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज़ डन और हु इज़ रिप्रेजेंट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमको दो बातें साफ हो जाती हैं कि जो एजेंसी होती है, जब हम एजेंसी को क्रिएट करते हैं, तो उसमें दो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। पहला कौन? पहला हमारा हो जाता है एजेंट, जिसको हम नियुक्त करते हैं, और दूसरा हमारा हो जाता है प्रिंसिपल, जो कि हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं जो हमारा मालिक हो जाता है। उसको हम कहते हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भाषा में, वो हमारा हो जाता है प्रिंसिपल, और जिसको वो नियुक्त करता है वो हमारा हो जाता है एजेंट। और इस पूरे जो दोनों लोग जो काम करते हैं, उस पूरे सिनेरियो को हम लोग कहते हैं एजेंसी। तो ये हो गई हमारी एजेंसी की बेसिक टर्म, बेसिक डेफिनेशन, या कह सकते हैं आप बेसिक नॉलेज कि एजेंसी होती क्या है, इसमें किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी क्या होगी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी का मतलब है कि एजेंसी की स्थापना, यह क्या होती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दो दो तरीके की एजेंसी हो सकती हैं। पहली हो जाती है एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड अथॉरिटी। आप एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं एजेंसी के अंदर। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप पहले हेडिंग डालिएगा एजेंसी के डेफिनेशन के बाद क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अगर हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं एजेंसी की स्थापना, उसके नीचे आप फर्स्ट पॉइंट डालिएगा एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड अथॉरिटी। यही एक मूल पॉइंट है जिसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, एक एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड अथॉरिटी। तो एजेंसी कैन बी मेड बाई टू टाइप्स, पहला कौन सा एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी और दूसरा कौन सा इम्प्लॉयड अथॉरिटी। तो इन दो प्रकार से हम एजेंसी का निर्माण कर सकते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं कि एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी, इस प्रकार से हम एजेंसी का निर्माण कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी के बारे में अगर आपको समझना है, तो आप सीधे से ये समझिए, इफ़ समवन सेज टू मी दैट यू डू माई दिस वर्क, अगर आपसे कोई कहता है कि हमारा ये काम करो, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है।
तो वो हो जाएगी आपकी एक्सप्रेस एजेंसी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता, एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर से आप नोट भी करना चाहते हो नोट करें, लेकिन आप सुनिए, सुनने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप सुनिए कि एक्सप्रेस अथॉरिटी एजेंसी किस प्रकार की एजेंसी हो सकती है। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी एजेंसी का आप पहला एग्जाम्पल सुन लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉलेज जा रहा था, तो एक पड़ोस के अंकल मिल गए हमको। एक पड़ोस के अंकल ने मुझे कहा कि लौटते वक्त मेरी यह दवा लेते आना। तो यहाँ एक प्रकार की एजेंसी डेवलप हुई, मैंने मैंने दवा अंकल को अंकल के लिए लूँगा, मैं दवा जाते वक्त अरे लौटते वक्त मैं उनके लिए एक दवा लूँगा। तो यहाँ पे मैं कौन हुआ बताएंगे आप? मैं यहाँ पे एक एजेंट के रूप में जाना गया, और अंकल क्या हुए? अंकल हमारे प्रिंसिपल हुए। तो यहाँ पे सीधे सीधे दो पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, पहला किसकी? अंकल की, जो कि प्रिंसिपल हो जाएंगे, और दूसरा कौन? मैं, जो कि एजेंट हो जाएगा। तो इस एजेंसी के चैप्टर पे यही दो पार्टी आ जाएंगी, एक पहला एजेंट की, दूसरा प्रिंसिपल की। बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अंकल टू द शॉपकीपर, यहाँ पे मैं अंकल की ओर से शॉपकीपर को के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये एक एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी हो जाएगी। एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड मतलब मैं उनका व्यक्तित्व एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए नहीं आया, मैं अंकल के लिए आया हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे दो टाइप की एजेंसी होगी, एक्सप्रेस एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी। एक्सप्रेस एजेंसी में आप किसी के लिए काम तो कर रहे हो, लेकिन आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं अपने लिए नहीं, मैं उनके लिए ले रहा हूँ। समझ में आई बात? तो यही हो जाएगी आपकी एक्सप्रेस एजेंसी। अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड एजेंसी क्या होती है। इम्प्लाइड एजेंसी भी बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसको भी आप समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने आप अधिकार प्राप्त कर लेता है किसी का बिना किसी के कहे, जब कोई व्यक्ति अधिकार प्राप्त कर लेता है बिना किसी के कहे, बस अगले के संबंध देख के, मतलब दो दो आदमियों के बीच कुछ ऐसा रिलेशंस है, कुछ ऐसा अच्छा रिलेशन है जिसके जिसको देखते हुए कोई एक आदमी यह अधिकार प्राप्त कर लेता है कोई काम को करने का, तो जो जो वह काम करता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एजेंट। जो यह काम कर रहा है उसको हम कहेंगे एजेंट। और जो काम करने को कहा ही नहीं है, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, अगर मेरा भाई मेरा कोई काम कर देता है बिना बिना मैंने उससे कहा भी नहीं है, वो बिना मुझसे पूछे, तो वो मेरा एक एजेंट हो जाएगा और वहाँ पे मैं प्रिंसिपल हो जाऊँगा। तो वहाँ यहाँ पे हम दोनों के बीच में भी एक एजेंसी डेवलप हो जाएगी। तो ये भी एक प्रकार की एजेंसी हुई, लेकिन ये किस प्रकार की एजेंसी हुई? ये एक इम्प्लाइड एजेंसी हुई, इम्प्लाइड अथॉरिटी एजेंसी हुई। मैं आपको एक और एग्जांपल देके इसको बहुत ही अच्छे ढंग से और भी अच्छे तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज़ मैं कहीं बाहर गया हुआ, मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ, और उसी वक्त मेरे घर पे कुछ मेहमान आ जाते हैं, और उस वक्त मेरे घर में एक नौकर भी काम करता है, जो कि उस वक्त उनको मेरे गेस्ट को अटेंड किया। तो गेस्ट आए, मैं वहाँ पे था नहीं, तो उस नौकर ने मेरे मेहमानों का अवगत किया, उनको बैठाया, पानी पिलाया, और बाज़ार से जाके मिठाइयाँ भी लेकर आया। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं था कि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, अगर मेहमान आएंगे तो तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना, मैंने उसको ये बातें नहीं कही थी, लेकिन उसने यह काम अपनी मर्जी से, अपने मन से किया है। तो क्यों किया है उसने अपने मन से? बिकॉज द रिलेशन बिटवीन बॉस एंड सर्वेंट, ये रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उसने यह काम किया। उसने मुझे पहले देखा होगा कि कोई आता है तो हमारे जो मालिक है वो इस तरीके का व्यवहार मेहमानों के साथ करते हैं, तो वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में मुझे भी यही व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। तो मैंने उसे यह काम कहा नहीं था कि मैं जाऊँगा तो मेरे मेहमान आएंगे, तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना, उसने अपने मन से यह निर्णय लिया और चीज़ों को संभाला। सो हियर द सर्वेंट गेन द राइट ऑफ वेलकम ऑटोमेटिकली विदाउट आस्किंग मी। सो इन दिस सिचुएशन द एजेंट विल बी माई सर्वेंट एंड द प्रिंसिपल विल बी माई सेल्फ ओनली। हियर आई एम ओनली द प्रिंसिपल एंड माई सर्वेंट इज़ एन एजेंट। ही हैज़ क्रिएटेड एन एजेंसी विदाउट आस्किंग मी बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। सो इट इज़ एन टाइप ऑफ एन एजेंसी विच इज़ डिवेलप्ड
इन द सेंस ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी एजेंसी। तो ये हमारी दूसरे प्रकार की एजेंसी हुई। पहले प्रकार की मैंने आपको बता दिया था कि वो एक्सप्रेस एजेंसी है, और ये दूसरे प्रकार की एजेंसी हो गई जो कि हमारी इम्प्लाइड एजेंसी हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड प्रकार की एजेंसी की, जो कि थर्ड प्रकार की एजेंसी किस तरह से डेवलप्ड हो सकती है। तो थर्ड प्रकार की एजेंसी हमारी इस प्रकार से डेवलप हो सकती है, आप हेडिंग डाल लीजिए बाई नेसेसिटी, एजेंसी डेवलप्ड बाई नेसेसिटी। अब इसके में इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इस पर हम आप मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभार ऐसा ये ज़रूरी हो जाता है कोई काम करने के लिए, आप चाहते तो नहीं है लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि आपको वो काम करना पड़ता है, तो उस दौरान जो एजेंसी डेवलप्ड होती है उसको हम कहते हैं एजेंसी डेवलप्ड बाई नेसेसिटी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे एक पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं और उनका एक छोटा बच्चा है, उनका एक मेरे सामने ही एक्सीडेंट हो गया, और मैं उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। हालाँकि उसके पेरेंट्स ने मुझे ये तो नहीं कहा था कि अगर मेरे बच्चे का एक्सीडेंट होगा तो तुम यहाँ पे रहना, उसे डॉक्टर के पास ले जाना। तो उसे सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल, उसके बच्चे का जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उसके बच्चे को देखा, उठाया, उसे फ़र्स्ट एड दिया। तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स ने जाते वक्त मुझसे ये तो नहीं कहा था ना कि उसके अब मैं जा रहा हूँ, उसके बेटे का भी उसके बच्चे का भी एक्सीडेंट होगा तो तुम उसे लेके उसका फ़र्स्ट एड देना। उन्होंने मुझे ये तो नहीं कहा था, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुई, ऐसी कुछ ज़रूरी हुई, ऐसी कुछ नेसेसिटी पड़ गई कि मुझे उसका फ़र्स्ट एड करना पड़ा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे मैं एक एजेंट के रूप में काम करूँगा और उसके जो पड़ोसी, उसके जो माता पिता होंगे वो एक प्रिंसिपल के रूप में काम करेंगे। तो ये भी एक हो जाता है आपका एजेंसी डेवलप्ड बाई नेसेसिटी। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड प्रकार की एजेंसी की, जो कि कैसे डेवलप्ड हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। तो थर्ड प्रकार की हमारी एजेंसी हो जाएगी, कैसे डेवलप्ड होगी, एजेंसी बाई होल्डिंग आउट। अब ये क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रदर्शन के द्वारा। सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं किसी के सामने एक ऐसा प्रदर्शन कर रहा हूँ कि उसे मैं यह जताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा अपने प्रदर्शन से उसे यह जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक एजेंट हूँ, और सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक साधारण व्यक्ति है। तो यहाँ पे एक एजेंसी डेवलप्ड हो जाएगी, जो कि हो जाएगी एजेंसी डेवलप्ड बाई होल्डिंग आउट। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, मान लीजिए उसका नाम ए है, और वो एक बुक बेच रहा है फिनांशियल अकाउंटिंग की, बी के मेहता की, बी को। तो जिस दौरान वो बेच रहा है, अगर जो बी है वो बुक को देखते ही समझ रहा है कि ये बुक कुछ गड़बड़ है, इस बुक के मैटर अच्छे नहीं है, तो उसको उसी वक्त उसे ए को मना करना पड़ेगा। अगर वो मना नहीं कर पा रहा है और उसने वो परचेस कर लिया, एंड आगे चल के पता चल रहा कि वो तो जो बी के मेहता की बुक थी, वो बी के मेहता तो बस उस पर लेबल लगा था, हालांकि वो बुक थी हमारी ML अग्रवाल की, तो ये है उसके साथ एक फ्रॉड हो गया। बाद में जब बी को ये बात पता चली तो बी हमारा जो था वो चला गया बी के मेहता के पास, उसने उसे बोला कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो उस दौरान बी के मेहता कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एजेंसी जब ये परचेजिंग हो रही थी तो उसने खुद ही अपने स्वेच्छा से उस एजेंसी को पूरा किया था, उस किताब को उसने ख़रीदा था अपने स्वेच्छा से, तो वहाँ पे बी के मेहता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यह देखना पड़ेगा, जो बी पर्सन है उसे ही यह देखना पड़ेगा कि जो एजेंट है वो कितना सत्य बोल रहा है, उसकी चीज़ों में कितनी सत्यता है। आपको वहीं पे उसी को अपने तरीके से, सही तरीके से उसे वहीं पे जज करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप उसे कुछ नहीं कर सकते। अगर वो अपने आप को ऐसा, इफ़ ही इज़ प्रोजेक्टिंग हिम सेल्फ एज एन एजेंट देन इफ़ आई हैव एन डाउट अपॉन इट देन एट द मीन वाइल एट द सेम टाइम ओनली आई हैव टू रिजेक्ट हिम। इफ़ आई एम अनेबल टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग दैट आई कॉन्ट बी अनेबल टू आई कॉन्ट एबल टू रिजेक्ट हिम देन आफ्टरवर्ड्स एनी वन कॉन्ट डू कॉन्ट हेल्प यू टू रिएम्बर्स योर अमाउंट। अब हम बात करते हैं अपने चौथे प्रकार की एजेंसी कैसे डेवलप हो सकती है। तो चौथे में आप हेडिंग डाल लीजिए बाई रेक्टिफिकेशन, पुष्टिकरण, पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी की स्थापना या डेवलपमेंट। तो यह एक इस प्रकार की एजेंसी होती है जो कि हमारे एक विल पे, हमारी इच्छा पे डिपेंड करती है। अगर मेरे लिए किसी व्यक्ति ने कोई काम किया बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी स्वीकृति लिए, तो यहाँ पे एक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे जाऊँ, उस काम को देखूँ कि उसने क्या किया है। हालांकि इसका मतलब उस काम की पुष्टिकरण करना मेरे हाथों में, उस काम का रेक्टिफिकेशन करना मेरे हाथों में है।
अगर मैंने वहाँ जाके उस काम की पुष्टि कर दी तो वो एजेंट बाई रेक्टिफिकेशन कहलाएगा। अगर मैं वहाँ जाके उस काम के पुष्टिकरण नहीं करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एजेंसी, वो यह कहलाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि ए हमारे जो एक पर्सन है, मान लीजिए उनका नाम ए है, वो हमेशा बाहर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। हर वक्त उनका एक निश्चित समय होता है जिस समय में वो बाहर जाते हैं वस्तुओं को लेने के लिए। ये बात बी को पता थी, और बी भी जब वो जाते थे तब तो बी उनसे कोई सामान बोलते थे कि ये लेते आना, रोज़ ये बोलते थे बी। लेकिन एक दिन वो जा रहे थे तो बी ने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन ए ने वह सामान वहाँ से लेते आए, लेकिन बी ने कहा नहीं था। लेकिन अगर वो लेते आए और बी ने उसको बहुत ही खुशी प्रकार से, बहुत ही अच्छे ढंग से उसे स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे हमारी एक एजेंसी डेवलप्ड हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे एजेंसी डेवलप्ड बाई रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे जो ए रहेंगे वो प्रिंसिपल हो जाएंगे और जो बी रहेंगे वो हमारे एजेंट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं एजेंट की प्रकार की, काइंड्स ऑफ एजेंट। तो इसमें हमारा पहला प्रकार एजेंट का आ जाता है, वो आ जाता है हमारा गवर्नमेंट एजेंट और प्राइवेट एजेंट। अब हम इसे समझते हैं कि गवर्नमेंट एजेंट क्या होता है और प्राइवेट एजेंट क्या होता है। तो गवर्नमेंट एजेंट वह होता है जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है सरकारी काम के लिए, और प्राइवेट एजेंट वो होता है जो हम खुद अपने निजी काम के लिए नियुक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइवेट एजेंट। दूसरे प्रकार आ जाता है हमारा होम एजेंट या फॉरेन एजेंट। अब होम एजेंट वह होता है जिसे हम अपॉइंट करते हैं अपने देश के भीतर ही किसी कार्य के लिए, फॉर द वर्क विद इन आवर कंट्री। और फॉरेन एजेंट वो होता है जो हमें उस उन कामों के लिए उस चीज़ से नियुक्त करते हैं जो कि हमारे देश के बाहर संपन्न होने हैं। थर्ड प्रकार हम तीसरे प्रकार का एजेंट हमारा आ जाता है कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एजेंट। कॉमर्शियल एजेंट हमारा वो होते हैं व्हेन वी अपॉइंट एनी टाइप ऑफ एजेंट टू फुलफिल आवर कॉमर्शियल एक्टिविटी, इज कॉल्ड एन कॉमर्शियल एजेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आई एम इन अ बिजनेस ऑफ एन रियल इस्टेट एंड आई हर्ड अबाउट एनी टाइप ऑफ एन लैंड सिचुएटेड इन वाराणसी, सो आई हैव अपॉइंटेड एन एजेंट नेम्ड एज एक्स। सपोज दैट एक्स इज एन एजेंट अपॉइंटेड बाई मी एंड आई सेट टू हिम दैट प्लीज़ फाइंड एनी टाइप ऑफ एन लैंड एंड एकोमोडेशन टाइप ऑफ एन हाउस इन वाराणसी फॉर मी एंड ही विल गो टू परचेज द लैंड फॉर मी, सो ही विल बी ट्रीटेड एज कॉमर्शियल एजेंट। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमर्शियल एजेंट क्या होता है और उसके एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं अपने नॉन कॉमर्शियल एजेंट की। नॉन कॉमर्शियल एजेंट हमारा वो एजेंट होता है जिसे हम ही अपॉइंट करते हैं किसी नॉन कॉमर्शियल वर्क के लिए। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। अगर ये पूछे कॉमर्शियल एजेंट क्या होता है तो आप सीधे बोल दीजिए वो एजेंट जिसको हम अपने कॉमर्शियल वर्क के लिए अपॉइंट करते हैं। नॉन कॉमर्शियल एजेंट क्या होता है जिसको हम अपने नॉन कॉमर्शियल वर्क के लिए डिफाइन करते हैं। लेकिन आपको एग्जाम्पल में यह बताना पड़ेगा कि हमारा किस प्रकार का कॉमर्शियल वर्क है, किस प्रकार का नॉन कॉमर्शियल वर्क है। तो हम बात कर रहे थे अपने नॉन कॉमर्शियल एजेंट की, तो मैं इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि नॉन कॉमर्शियल एजेंट किस प्रकार के एजेंट हो सकते हैं। तो आप एग्जांपल दे लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक रियल इस्टेट बिज़नेस में नहीं हूँ, मैं रियल इस्टेट बिज़नेस में नहीं हूँ, मुझे इन प्रकार की जानकारी नहीं है, तो मैं एक एजेंट को अपॉइंट करता हूँ जो इसको मैं बोलता हूँ कि आप इस एरिया में मेरे लिए एक प्लॉट ढूंढिए। अब वो प्लॉट ढूंढ के अगर मुझे उसके बारे में जानकारी देता है तो वो एक नॉन कॉमर्शियल एजेंट के रूप में जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने, अब आप फोर्थ पॉइंट डाल लीजिए अंडर राइटर का। अंडर राइटर मतलब होता है अभिगोपक। अभिगोपक अब क्या क्या होता है हम अब इसके बारे में जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कंपनी को हमारे 10 लाख रुपये की आवश्यकता है, तो उसने 10 लाख रुपये के शेयर्स जारी किए, पर कंपनी को कितना उस पर रिएक्शन मिलेगा, कितना उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा, यह उसको नहीं पता है। तो हु विल टेक द रिस्पॉन्स ऑफ दिस, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, बिकॉज द नेसेसिटी ऑफ ₹10 लाख इज़ बीन सर्टेन। वो तो बदल नहीं सकती, लेकिन जो 10 लाख रुपये के जो शेयर इशू किए हैं उस पर हमको ये भी नहीं पता कि हमको इस पर पूरा 100% रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। और रिस्पॉन्स हम कैसे पता कर सकते हैं, रिस्पॉन्स हम तीन प्रकार से पता कर सकते हैं, कैसे कैसे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो इन तीन प्रकार से हम रिस्पॉन्स पता कर सकते हैं। सो बिफोर द इशूइंग ऑफ शेयर्स कंपनी डजंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, सो टू मेक देमसेल्व्स इज अ सेफ क्राइटेरिया इन अ सेफ पोजिशन, कंपनी डज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन इन विच द कंपनी इंश्योर्स हिम, इन विच द पर्सन इंश्योर्स द कंपनी दैट इफ़ योर शेयर कांट बी सोल्ड आउट देन ही विल परचेज एन ऑटोमेटिकली।
जैसे कि हमने बिजनेस टर्म में पढ़ा होगा कि अंडर राइटर क्या होता है, सेम वही चीज़ें हैं, बस इसको आप एजेंसी के रूप में डाल दीजिए और कुछ नहीं करना है। इफ़ द शेयर्स विल बी नॉट सोल्ड दैट अंडर राइटर विल परचेज इट, बट अपार्ट फ्रॉम इट कंपनी हैज़ टू गिव सम परसेंट ऑफ इट कमीशन टू एन अंडर राइटर, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट या अंडर राइटर एजेंसी। नाउ वी विल टॉक अबाउट वट हु विल बी द सब एजेंट एंड हु विल बी द सब्सिट्यूट एजेंट। नाउ हु विल बी द सब एजेंट, सपोज अ कंपनी अपॉइंट्स एन एजेंट फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क, एन एजेंट फील दैट दिस वर्क इज सो हैवी एंड कांट बी मैनेज बाई अ सिंगल पर्सन और बाई हिम ओनली। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने एक एजेंट को अपॉइंट किया किसी काम के लिए, तो अगर वो एजेंट यह सोच रहा है कि यह एक यह पूरा काम उस अकेले की बस की बात नहीं है, तो वो अपना खुद का एक एजेंट नियुक्त कर सकता है। तो वो जो खुद का एक अपना एक एजेंट नियुक्त करेगा अपने बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, उसे हम कहेंगे सब एजेंट। सपोज़ कर लीजिए कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैं मुंबई में रहता हूँ और मैंने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया मेरे एजेंट के रूप में कि और कहा कि आप वाराणसी जाइए, वहाँ पे मेरे इस प्रोडक्ट को बेचिए। अब मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई को अपॉइंट किया था वाराणसी जाने के लिए, अब मिस्टर वाई को वाराणसी के कुछ एरियो के बारे में जानकारी नहीं है। अब मिस्टर वाई वाराणसी पहुँचे, उन्होंने अपने एक और एजेंट नियुक्त कर लिया मिस्टर मान लीजिए मिस्टर जेड को, और मिस्टर वाई जो कि पहले से एजेंट थे उन्होंने अपना एक एजेंट नियुक्त किया मिस्टर जेड को, और मिस्टर वाई और मिस्टर जेड दोनों मिल के मिस्टर एक्स के काम को पूरा किया। तो यहाँ पे जो मिस्टर जेड की भूमिका जो निभा रहा है वो हो जाएगा हमारा सब एजेंट। अब मैं बात करता हूँ हु विल बी द सब्सिट्यूट एजेंट। सब्सिट्यूट एजेंट इज़ एन एजेंट हु कवर अप द पोजिशन ऑफ एन प्री डिटरमाइंड एजेंट इन द सिचुएशन ऑफ एनी टाइप ऑफ मिस हैपनिंग। जैसे हम मान लीजिए कि मैंने एक एजेंट को नियुक्त किया मेरा प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और अहम वक्त पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो चला गया कि उसने बोला कि साहब मुझे बेड रेस्ट चाहिए, मैं आपके काम नहीं कर सकता। तो उसकी जगह पे मैंने एक दूसरे एजेंट को कुछ समय के लिए कुछ पल के लिए नियुक्त कर लिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सब्सिट्यूट एजेंट। जैसे ही मेरा जो पुराना वाला एजेंट था जिसको मैंने पहले नियुक्त किया था जो बीमार पड़ गया था, वो जिस दिन ठीक होकर आ जाएगा उस दिन मैं अपने जो दूसरे एजेंट को नियुक्त किया रहूँगा उसे मैं नौकरी से निकाल दूँगा। तो ये हो जाएगा हमारा सब्सिट्यूट एजेंट। अब चलिए हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्सिट्यूट एंड सब एजेंट। तो पहले हम सब एजेंट के बारे में बात करते हैं। सब एजेंट इज़ एन एजेंट हु इज़ बीन अपॉइंटेड बाई एन एजेंट फॉर हिज ओन कन्वीनियंस इज़ नोन एज सब एजेंट। एंड सब्सिट्यूट एजेंट द एजेंट अपॉइंटेड बाई द प्रिंसिपल इन द केस हिज ओन एजेंट बेयर्स अ एनी टाइप ऑफ मिस हैपनिंग्स। तो वो हो जाएगा हमारा सब्सिट्यूट एजेंट। द ड्यूरेशन सेकेंड पॉइंट द ड्यूरेशन ऑफ सब एजेंट विल बी डिटरमाइंड बाई द एजेंट अपॉइंटेड बाई मी। मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ सब एजेंट रहेगा उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा जो वह एजेंट डिसाइड करेगा जिसको मैंने ओरिजिनली नियुक्त किया था। वह एजेंट अपने सब एजेंट का टाइम ड्यूरेशन तय करेगा। और सब्सिट्यूट एजेंट में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल विल डिसाइड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन सब्सिट्यूट एजेंट। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये होगा सब एजेंट विल बी नॉट फॉर द टाइम बीइंग एंड सब्सिट्यूट एजेंट विल बी द फॉर द टाइम बीइंग एंड डन बाय द प्रिंसिपल। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस सब एजेंट और सब्सिट्यूट एजेंट में। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक की जो कि हमारा एकदम फ्रेश रहेगा। फ्रेश टॉपिक का आप हेडिंग डाल लीजिए टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अच्छा, अब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी भी कई प्रकार के हो सकते हैं। मैं आपको टोटल 9 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में बताऊंगा। तो पहला आप हेडिंग डाल लीजिए कि बाई नोटिस, सूचना के तौर पे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए बाई नोटिस। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने एक अपने एजेंट को नियुक्त किया जिसका नाम था राम, और जिस काम के लिए मैंने उसे नियुक्त किया तो वो काम मेरा आज के दिन ख़त्म हो गया। सपोज़ कर लीजिए आज के दिन वो काम मेरा ख़त्म हो गया, तो आज ही के दिन मैं उसे एक नोटिस भेज दूँगा कि फ्रॉम टुडे इट्सेल्फ, फ्रॉम इस टाइम के बाद आप मेरे एजेंट के रूप में काम नहीं करेंगे। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी विल बी इजीली वे डन हो जाएगी। तो यह भी एक तरीका है अपने एजेंसी को ख़त्म करने का। दूसरा हो जाता है हमारा बाई रेजिग्नेशन। अगर एजेंट खुद ही प्रिंसिपल के पास जाके अपना रेजिग्नेशन दे दे कि वो आपके साथ काम नहीं करेगा, तो वहाँ वहाँ पे भी एजेंसी हमारी ओवर हो जाती है।
थर्ड हो जाएगा हमारा बाय परफॉर्मेंस। सपोज जिस काम के लिए मैंने एजेंट को नियुक्त किया था वो काम मेरा पूरा हो गया, वो परफॉर्मेंस मेरा पूरा हो गया, तो मैं एजेंट को कह दूंगा कि अब तुम जाओ, अब मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तो उस समय भी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। अगर किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए मैंने एक एजेंट को नियुक्त किया था, अगर वो टाइम ड्यूरेशन ही हमारा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद भी जो एजेंसी मैंने डेवलप्ड की थी वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा बाई इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। सपोज जिसने अपने लिए एक एजेंट नियुक्त किया था, अगर वही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो वो आगे बिजनेस तो कर नहीं पाएगा, वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो उस वक्त भी जो एजेंट रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसके उसके एजेंसी के रूप से फ्री हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा इस प्रकार से भी हमारी एजेंसी जो रहेगी वो डिजॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बाई डेथ ऑफ अ प्रिंसिपल और बाई डेथ ऑफ द एजेंट। अगर दोनों में से किसी की मृत्यु भी हो जाए तो भी हमारी एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा बाई एग्रीमेंट। व्हेन द बोथ द एजेंसी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, इफ द एग्रीमेंट इज़ डन और द एग्रीमेंट इज़ टर्मिनेटेड, सो एजेंसी विल बी डिसक्वालिफाइड और एजेंसी मतलब एजेंसी हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी एग्रीमेंट के तौर पे भी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर। मतलब जिसके लिए मैंने जिस वस्तु के लिए जिस वस्तु को लेकर मैंने उस एजेंट को नियुक्त किया था, अगर वो चीज़ अगर वो वस्तु अगर वो पेपर अगर वो कागज़ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस वक्त भी हमारी एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बाई आउटब्रेक ऑफ वॉर, युद्ध की स्थिति में। अगर मान लीजिए दो देशों के बीच में एजेंसी हुई और फ्यूचर में उन दो देशों के बीच में ही युद्ध छिड़ गया, तो उस वक्त भी हमारी एजेंसी टर्मिनेटेड रहेगी, लेकिन जिस समय मेरा युद्ध ख़त्म हो जाएगा वो एजेंसी फिर से अगर आप चालू करना चाहें, फिर से अगर आप स्टार्ट करना चाहें, तो एजेंसी को फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आप फिर से अगर जो आप स्टार्ट करेंगे वो एक न्यू फ्रेश एजेंसी होगी, ओल्ड एजेंसी विल बी डिसक्वालिफाइड। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको हमें ये पता चलता है कि हम किस प्रकार से अपनी एजेंसी का टर्मिनेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, या सो आप कह सकते हैं ये भी कि एजेंट ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिसको अगर आप बहुत ही इजी इजी पॉइंट्स से जो पॉइंट्स कठिन होंगे मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसको आप अगर एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आप बाकी बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस में आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं। तो एजेंट्स ड्यूटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल में आप पहला हेडिंग डाल लीजिए, टू कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। सपोज मैंने अपने एजेंट को कहा कि ये मेरा प्रोडक्ट लो और जाओ इसे वाराणसी में बेचो, तो वो उसे सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में ही बेचेगा, ना कि शिवपुर में, ना कि आउट ऑफ वाराणसी में जाके बेचेगा। मैंने उसे अगर कहा है कि आप वाराणसी में ही बेचोगे तो वो उसका ये ड्यूटी हो जाएगा, उसका ये राइट हो जाएगा, और मेरे पास ये पावर है कि अगर वो मेरे नियमों का उल्लंघन करता है तो मैं उसके खिलाफ़ एक्शन ले सकता हूँ। तो उसका ये ड्यूटी हो जाएगा कि जो मैंने कहा है जिस एरिया क्षेत्र जो क्षेत्र मैंने डिसाइड किया है वो उसी के भीतर ही मेरा प्रोडक्ट को सेल करे, तो वो एक एजेंट्स की ड्यूटी हो जाती है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा टू कंडक्ट द बिजनेस विद रीजनेबल केयर एंड स्किल्स। इसका मतलब ये है कि अगर एजेंट को लगता है कि जो मेरा ओनर है जो हमारा मालिक है जो मेरा प्रिंसिपल है वो जिसके साथ बिजनेस कर रहा है वो आदमी ठीक नहीं है, वो हमारा पेमेंट नहीं देगा, तो यह एजेंट की ड्यूटी हो जाती है कि वो इसके बारे में अपने मालिक को बताए या इसके बारे में अपने मालिक से इसके बारे में चर्चा करे। सपोज़ फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे वो जिससे वो प्रिंसिपल डील कर रहा है जिस पर्सन से, वो पर्सन पहले उस एजेंट के साथ डील कर चुका था पहले ही, उस वक्त जो एजेंट इस वक्त हमारा जो एजेंट है वो उस वक्त उसका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल के रूप में काम किया होगा। तो अगर वो उससे कुछ फ्रॉड किया होगा, तो अगर एजेंट को ये बात पता है कि वो फ्रॉडिया आदमी है या वो फ्रॉडिया पर्सन है, तो इसके बारे में अपने प्रिंसिपल को पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करे, उसको सेफ रखे, अपने प्रिंसिपल को सेफ रखे फ्रॉड से। थर्ड हमारा आ जाता है टू टेंडर प्रॉपर अकाउंट। जिस थर्ड पार्टी से हमारा जो एजेंट डील कर रहा है उस थर्ड पार्टी के डीलिंग के जितने भी कागजात है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे, कि अगर इन केस प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट या चीज़ों को मांगता है, उससे बोलता है कि तुमने लिखाओ हमको कि किन किन लोगों से तुमने ट्रांजेक्शन किया है, तो एजेंट विद द प्रूफ प्रिंसिपल को शो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, एजेंट शुड नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट।
एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के हित को ध्यान में रख के ही डीलिंग करेगा, ना कि अपने हित को ध्यान में रख के डीलिंग करेगा। अगर एजेंट को लगता है कि इस प्रकार का ट्रांजेक्शन करने से प्रिंसिपल सफ़र करेगा, प्रिंसिपल को नुकसान होगा, तो एजेंट को यह वैसा उस प्रकार का ट्रांजेक्शन को लेकर प्रिंसिपल से अपनी बात रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू पे ऑल सम्स रिसीव्ड बाई एन एजेंट टू प्रिंसिपल। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर एजेंट को कहीं से पेमेंट प्राप्त हुआ तो वो एजेंट जो रहेगा वो प्रिंसिपल को सभी प्रकार के बिल के साथ उस जितना भी अमाउंट है वो प्रिंसिपल को मंथली वाइज या वीकली वाइज या डेली बेसिस पे जितना भी अमाउंट उसे रिसीव हुआ है वो प्रिंसिपल को जाके लौटाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल। एजेंट जो रहेगा अगर वो किसी वस्तु की मार्केट में जाके सेल कर रहा है जो कि प्रिंसिपल से रिलेटेड है, तो वो मार्केट में जाके उस वस्तु पे अपना अधिकार नहीं जमाएगा कि ये मेरी चीज़ है, मैं ही इसका ओनर हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। वो जो बात है वो बात को उसके सामने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेगा कि मैं एक एजेंट हूँ, यह प्रोडक्ट इस कंपनी का है, इसके इसके फीचर है, लेकिन वो प्रिंसिपल का नाम भी बीच में नहीं आना चाहिए और ना ही वो अपना एडवर्स टाइटल सेटअप करना चाहिए एजेंट को। तो ये हो जाएगी हमारी एजेंट्स की ड्यूटी। नेक्स्ट ड्यूटी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्यूटी हमारी यह होती है ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की मृत्यु पर एजेंट की क्या ड्यूटी रहेगी? ऑन द डेट व्हेन द प्रिंसिपल गॉट डाइड फ्रॉम दैट डेट एजेंसी विल गेट ओवर बट द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट विल नॉट गेट ओवर। ही हैज़ एन ड्यूटी टू चेक हाउ मच ट्रांजेक्शन इज डन एंड प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स टू हिज नेक्स्ट ओनर और टू द हायर ऑफ द ओनर कि कितना क्रेडिट सेल हुआ है, कितना कैश सेल्स हुआ है, कितना रिसीविंग्स है, कितनी पेमेंट्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो ओनर का हायर रहेगा, HEIR हायर, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि मतलब वो आदमी जो ओनर की मृत्यु के बाद बिजनेस या एजेंस या अपने किसी काम को संभाले, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन, उसको ये सारी डिटेल एजेंट का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो उसको प्रदान करें। और उस वक्त अगर एजेंट जो रहेगा अगर वो एजेंसी छोड़ के जाना चाहता है तो वो छोड़ के जा सकता है। नाउ अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एजेंट्स फ्रॉड। इन अ केस इफ एजेंट डस एनी टाइप ऑफ फ्रॉड विद द थर्ड पार्टी देन एट द सेम टाइम हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। देन एट द सेम टाइम एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज प्रिंसिपल विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज द टाइम वेन एजेंट वॉज डूइंग द फ्रॉड ही वॉज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज इन प्रिंसिपल। सो बोथ द पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फ्रॉड। नेक्स्ट पॉइंट इज साइनिंग ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाई हिज ओन नेम। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यू मी आई मीन टू से लाइक फॉर एन एग्जाम्पल बिल ऑफ एन एक्सचेंज और चेक और एनी टाइप ऑफ एन प्रोमिसरी नोट विल बी ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ इन केस द एजेंट इज डूइंग।